भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन को प्रभावी रूप से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में 31 मई तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान केवल अति आवश्यक गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में चिन्हांकित कंटेनमेंट जोन में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कोरोना नियंत्रण के लिए पूर्व में जारी निर्देशानुसार के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूर्णतः कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं कि आज भी जो है संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। गाड़ियों की आवाजाही जो है वो कम नजर आ रही है, रोड जो है वो सूना नजर आ रहा है। और साथ ही आपको कुछ दुकानों को दिखाना चाहेंगे, पर आप दुकानों को देख सकते हैं कि वो भी जो है वो बंद पड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो है आलम है वो छत्तीसगढ़ का है। और आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब 31 मार्च तक जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पूर्णतः कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा और अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। सागर में